हेलो रजत जी, पिछले वीडियो में आपने शेयर मार्केट में कमाने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में सब कुछ बताया, जिसमें आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है, इस पर टैक्स कैसे लगता है, जिसमें आप सब कुछ चीज़ें कवर करी है। अब इस वीडियो के अंदर हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न करता है शेयर मार्केट से, उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और कोई टैक्स सेविंग टिप्स हैं तो? देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, शॉर्ट टर्म एसेट्स वो क्लासिफाई होते हैं स्टॉक मार्केट में जिनको आपने 365 डेज से कम पीरियड के लिए होल्ड किया है। तो यहाँ पे हम जिन एसेट क्लासेस की बात करने वाले हैं वो हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो आपने स्टॉक एक्सचेंज पे सेल किए हैं, यानी जिस पे एसटीटी पेड है, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जो आपने एक साल से कम पीरियड के लिए होल्ड किए हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी, एंड विच इज़ प्रेटी सिंपल इन इंडिया। जो आपकी सेलिंग प्राइस है माइनस जो आपके एक्चुअल बाइंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस इज योर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के ऊपर आपको फ्लैट 15% की रेट से टैक्स पे करना होता है अंडर सेक्शन 111A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये जो 15% की टैक्स रेट है, इसका बेनिफिट आप तभी ले सकते हो जब आपके शेयर्स लिस्टेड हो और एसटीटी पेड हो, या फिर जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उन पे भी एसटीटी पे हुआ हो। अच्छा रजत जी, क्या कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसपे 15% टैक्स रेट नहीं लगेगी? हाँ, अगर इन पे एसटीटी पेड नहीं है, या फिर आपने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं मगर आपने स्टॉक एक्सचेंज के बाहर सेल किए हैं, या आपने फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो उस पर एसटीटी पे करने का मतलब नहीं आता इंडिया में, तो वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगी। अच्छा रजत जी, अगर हम सीए के पास आए और टैक्स सेविंग टिप्स ना पूछे तो बेवकूफी होगी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर हम टैक्स कैसे बचा सकते हैं? देखिए मैडम, ये जो शेयर मार्केट के प्रॉफिट पर टैक्स कैसे बचाना है, ये जो आप बात बार बार पूछते हैं ना, ये आप हमारी शराफत का बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वैसे तो हम ये एडवाइस किसी को फ्री में नहीं करते, पर सिर्फ आपके लिए हम ये चीज आपको बता देते हैं। शेयर मार्केट के प्रॉफिट्स पे आप टैक्स दो तरह से बचा सकते हो। पहली चीज, अगर आपने पहले सालों में लॉसेस किया है तो वो लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ सकते हो, अगर आपने ITR सही से और बिफोर ड्यू डेट फाइल की है तो, और उसको करंट ईयर के प्रॉफिट से आप सेट ऑफ कर सकते हो। सपोज करिए एग्जाम्पल से, आपने पिछले 3 सालों के अंदर 1-1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है आपको शेयर मार्केट में, तो वो 3 लाख रुपए आप इस साल के, अगर आपको प्रॉफिट 5 लाख भी है तो 5 लाख में से 3 लाख रुपए के प्रॉफिट को पूरा सेट ऑफ करके सिर्फ 2 लाख रुपए पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और एक दूसरा तरीका है, अगर आपको पता है आपको इस साल बहुत सारा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हुआ है, तो फिर आप ईयर एंडिंग से पहले जो आपके शॉर्ट टर्म लॉसेस वाले शेयर्स हैं उनको स्क्वायर ऑफ कर लीजिए और वो लॉसेस आप अपने करंट ईयर के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। इस तरीके को लोग टैक्स हार्वेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू सो मच रजत जी, आपने बहुत अच्छे से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बता दिया है। क्या अब आप हमें इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में बता सकते हैं कि उस पर टैक्स कैसे लगता है और कैसे सेव किया जा सकता है? इंटरडे ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स पे टैक्स कैसे लगता है, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के ऊपर शेयर मार्केट की आपके फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोस के अंदर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाएं। थैंक यू, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।